इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 23 महीने बाद जेल से रिहा हुए आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुबह से ही चल रही अटकलों के बीच देर शाम 9 बजे जेल से बाहर निकले अब्दुल्ला आजम खान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम शनिवार देर शाम जेल से रिहा हो गए हैं। उन्हें करीब 23 महीने बाद जेल से रिहाई मिली है। आपको बता दें कि सीतापुर जेल में बंद अब्दुल्ला आजम खान को 43 मुकदमों में जमानत मिल चुकी है। आपको बता दें कि दोस्तों, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की उम्र को लेकर विवाद हो गया था। उनके दो जन्म प्रमाण पत्र जारी कराए गए थे, इनमें से एक रामपुर और एक लखनऊ का था। अब्दुल्ला आजम खान की उम्र के विवाद के कारण हाई कोर्ट ने उनकी विधायकी को रद्द कर दिया था। आपको बता दें दोस्तों, इसके बाद अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने का दौर चलाया गया था। अचानक मामले निकल रहे थे और मुकदमे दर्ज होते जा रहे थे। उनके खिलाफ अलग अलग थानों में 45 मुकदमे दर्ज किए गए थे, लेकिन दो मुकदमे झूठे पाए जाने के कारण रद्द कर दिए गए थे। अब सभी 43 मुकदमों में उन्हें जमानत मिल गई है।